नमस्ते प्रिय छात्रों, मैं निर्मल, फैकल्टी ऑफ हिंदी, सिल्वर हिल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हम दसवीं दर्जे के दूसरी इकाई का दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे, जो एक जीवनी है जिसका नाम है सबसे बड़ा समय। सबसे बड़ा समय मीन्स द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, जो एक जीवनी है। जीवनी यानी क्या है? जीवनी यानी बायोग्राफी है, और ऑटोबायोग्राफी और जीवनी में क्या फर्क है? जीवनी यानी किसी के जीवन के बारे में कोई दूसरे व्यक्ति लिख रहे हो तो वह जीवनी है, और कोई व्यक्ति अपने ही बारे में, अपने ही जीवन के बारे में लिख रहे हो तो वह ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथांश है, राइट? तो यह जीवनी है, लेखक है गीत चतुर्वेदी। गीत चतुर्वेदी दिल्ली के नवभारत टाइम्स में, जो एक दैनिक अखबार है, उसमें काम कर रहे हैं। उसके संपादकीय विभाग में, एडिटोरियल सेक्शन में काम कर रहे हैं। बेसिकली वो एक कवि है, राइट? तो यहां पर सबसे बड़ा शोमैन देखते हैं, सबसे बड़ा शोमैन कौन है? हमारे समय के, पिछले जमाने के सबसे बड़े शोमैन थे चार्ल्स स्पेंसर चार्ली चैपलिन। तो ये पार्ट चार्ल्स स्पेंसर चार्ली चैपलिन के बारे में है, राइट? तो पहले पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? पार्ट से हमें क्या क्या ज्ञान अर्जित करना है? देखिएगा, जीवनी का अंश पढ़कर आशय प्रस्तुत करना, टू लर्न और रीड जीवनी, बायोग्राफी पढ़ना और उसका आशय समझना, वो पहला ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी, किसी घटना पर रिपोर्ट तैयार करना, एंड टू राइट एंड नॉट ऑन एनी इंसिडेंट। किसी घटना पर रिपोर्ट यानी न्यूज़पेपर रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार करना किस तरह है वो समझना, हमारा दूसरी ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा देखिएगा, लघु सहायक क्रिया का प्रयोग समझना। लघु सहायक क्रिया, किसी क्रिया के साथ लघु जोड़ देने से वह क्रिया का आरंभ हुआ समझना चाहिए। जैसे कि वह दौड़ने लगा, ही स्टार्ट रनिंग, यानी किसी भी क्रिया के साथ लघु लगाने से वह क्रिया का आरंभ हुआ सूचित किया जाता है। इसे हम आरंभ सूचक सहायक क्रिया कहते हैं, वह भी हमें प्रस्तुत पाठ से समझना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चार्ली चैपलिन जैसे निम्न मध्य वर्ग में जीने वाले एक आदमी किस तरह महान बन पाए हैं वह समझना, और उससे असर पाकर महान बनने का उम्मीद या निर्णय या हौसला अपने मन में कर देना, वही सब है ऑब्जेक्टिव। ये चार्ली चैपलिन किसी एक दिन में महान नहीं बन पाए हैं। हम जितने भी महान लोगों को जानते हैं, वो सब एक ही दिन में महान नहीं बन पाए हैं। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए, कई प्रश्नों से जूझते हुए, कई मेहनत करते हुए, धीरे 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 हर कोई महान व्यक्ति महान बन पाए हैं। कोई भी एक दिन में महान नहीं बन पाए हैं। उसके लिए
लगन के साथ काम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से ही, मुश्किलों का सामना करते ही, आगे बढ़ते ही कोई भी व्यक्ति महान बन सकते हैं। और यहां पर भी चार्ली चैपलिन सिर्फ 5 कद का एक आदमी, 5 फुट का एक आदमी, छोटे मूंछ, एक अजीब तरह के छाल, राइट, और गरीब से गरीब निम्न मध्य वर्ग वाले आदमी किस तरह महान बन पाए हैं, हम इस पाठ में से पढ़ लेंगे। इससे असर पाकर हमें कुछ निर्णय भी लेना पड़ेगा। देखिएगा हमारा चैप्टर, सबसे बड़ा शोमैन, द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अच्छा देखिएगा, यही है चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन के बारे में मुझे तो ज्यादा कहना नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही चार्ली चैपलिन से परिचित है। उनके मॉडर्न टाइम्स, द किड, द सर्कस आदि फिल्म्स तुम लोग देखे होंगे, नहीं तो जरूर देख लेना। एक ऐसे जमाने में जब मूक फिल्म लिए जाते थे, जब फिल्म में साउंड्स नहीं दिए जाते थे, ऐसे समय वो अभिनय किया करते थे, और किसी भी बात कहे बिना, एक शब्द भी मुंह से निकले बिना सारे संसार को वो हंसाकर रख दिए थे। ऐसे कोई कलाकार शायद ही इस दुनिया में अब पैदा होंगे। ऐसे कलाकार है चार्ल्स स्पेंसर चार्ली चैपलिन। उसके जीवन के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, अपने बारे में जो वह कहता है वह जरा देख लेंगे। जरा देखिएगा, मुझे बारिश में चलना पसंद है, मेरे आंसू जो नहीं देख पाता कोई। चार्ली चैपलिन अपने बारे में कहता है कि आई वुड लाइक टू वॉक इन रेन बिकॉज नो वन कैन रिकॉग्नाइज माई टीयर्स। देखिएगा क्या बात है, वो अपने बारे में कहता है कि मैं बारिश में चलना चाहता हूं क्योंकि मेरे आंसुओं को कोई देख नहीं पाए। उसके दिल में उतनी दर्द है, उसका जीवन उस तरह है, हर समय आंख बीगे बीगे रहते हैं, राइट। फिर भी वो दुनिया को हंसा कर रखने में कामयाब हुए थे। ऐसे एक आदमी चाहता है कि कोई उसके आंसुओं को न पहचाने, राइट। ये शब्द जो है चार्ली चैपलिन के ही है। देखते हैं उनके बचपन किस तरह था, किस तरह वो महान बन पाए हैं। देखिएगा जीवनी, यानी बायोग्राफी, रिटन बाय गीत चतुर्वेदी, सबसे बड़ा शोमैन, द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट और एक्टर, किस तरह वो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट बन गए हैं। देखिएगा, गाते गाते अचानक मां की आवाज फटकर फुसफुसाहट में तब्दील हो गई। हिज मदर वॉज अ सिंगर एंड इन ए प्रोग्राम शी वॉज गोइंग ऑन सिंगिंग, राइट। गाते गाते अचानक, एंड वाइल शी वॉज गोइंग ऑन सिंगिंग, सडनली उसकी आवाज फटकर फुसफुसाहट में तब्दील हो गई। हर वॉइस ब्रेक एंड टर्न इन टू वीपिंग साउंड, राइट। आवाज फटकर फुसफुसाहट में, फुसफुसाहट यानी वीपिंग साउंड, उसकी आवाज, आवाज वर्ड इज लेडी, सो बिफोर ए आवाज शब्द वी हैव टू यूज की, क्योंकि आवाज शब्द जो है वो लेडी है, राइट। और फुसफुसाहट में तब्दील हो गई, तब्दील होना, चेंज होना, बदल गई, राइट। देन लोगों को लगा कि माइक में कुछ खराबी आ गई है। द ऑडियंस फेल्ट, वेरी फर्स्ट दे फेल्ट देर इज सम प्रॉब्लम विद द माइक, दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज, राइट। वो चार्ली चैपलिन की मां गा रही थी, सडनली हाउ इट हैज चेंज्ड इनटू वीपिंग, द ऑडियंस कुड नॉट रिकॉग्नाइज, दे स्टार्ट देर सम मिस्टेक विद द माइक। देन लोगों को लगा कि दे फेल्ट, उन्हें लगा कि माइक में कुछ खराबी आ गई है, देर इज सम प्रॉब्लम विद द माइक, पर फुसफुसाहट जारी थी, बट शी वॉज गोइंग ऑन वीपिंग। देन लोग चिल्लाने लगे, देन पीपुल गॉट, दे आइडेंटिफाई, दे रिकॉग्नाइज दैट
she is crying. It is not the problem with the mic, but the lady is crying. The singer is crying. Then log chillane lage, they start chillane lage. Laga sahayak kriya. यहां पर देखिएगा चिल्लाने दिए दे स्टार्ट शाउटिंग देन कहीं से कुछ लोग म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालने लगे एंड फ्रॉम सिटिंग हियर एंड देयर पीपल स्टार्ट इमिटेटिंग हर एज शी वॉज क्राइंग म्याऊ म्याऊ एंड एज द कैट्स आर मेकिंग साउंड राइट देन कहीं कहीं से कुछ लोग म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालने लगे इस अभद्र शोर ने मां को स्टेज से हटने को मजबूर कर दिया इस अभद्र शोर ने दिस इनप्रॉपर साउंड मेड हर टू हिट द स्टेज राइट वो गा रही थी अचानक गाना एकदम फटकर फुसफुसाहट में तब्दील हो गई एंड पीपल स्टार्ट शाउटिंग हाउलिंग एंड इमिटेटिंग हर एंड इट हैज कंपल्ड हर टू लीव हिट द स्टेज देन इस अभद्र शोर ने मां को स्टेज से हटने को मजबूर कर दिया देन चार्ली को वह अक्सर अपने साथ थिएटर ले जाती थी एंड एट दैट टाइम शी यूज टू टेक नॉर्मली शी यूज टू टेक चार्ली अलोंग विथ हर फॉर द स्टेज प्रोग्राम्स देन थिएटर ले जाया करती थी थिएटर से तात्पर्य है उस जमाने का थिएटर देन फिल्म थिएटर नहीं है जो स्टेज को यहां पर थिएटर से तात्पर्य है देन उस दिन भी पर्दे के पीछे खड़ा वह आवाज के तमाशे को देख रहा था एंड दैट डे ऑल्सो बाय स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन चार्ली वाज सेइंग ऑल दिस तमाशा ऑल दिस फन ही वाज वाचिंग बाय स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन उस दिन भी पर्दे के पीछे खड़ा पर्दा मीन्स कर्टन कर्टन के पीछे खड़ा बाय स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन वह आवाज के तमाशे को देख रहा था ही वॉज सींग ऑल द फन ऑफ दिस साउंड वह आवाज का तमाशा क्या क्या था पहले उसकी मां गा रही थी वह बहुत सुरीली थी एक आवाज वो और दूसरी आवाज जो है उसका रोने में बदलना वह फुसफुसाने लगी राइट और तीसरी आवाज लोग चिल्लाने लगे पीपल स्टार्ट शाउटिंग एंड चौथी आवाज पीपल स्टार्ट इमिटेटिंग हर बाय मेकिंग द साउंड ऑफ कैट्स राइट म्याऊ म्याऊ की आवाज करने लगे ये सब आवाज के तमाशे हैं राइट और वह आवाज के तमाशे को देख रहा था मां और मैनेजर में बहस होते देख वह वहां गया मैनेजर ने चार्ली को मां के कुछ दोस्तों के सामने अभिनय करते देखा था मैनेजर ऑलरेडी सीन एज चार्लीज एक्टिंग और डूइंग मेनी प्रोग्राम्स इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड्स यानी उसकी मम्मा के फ्रेंड्स के सामने उसे कार्यक्रम करते हुए मैनेजर ने देखा था राइट और वह उसे स्टेज पर बेचने की जिद करने लगा एंड दिस टाइम टू मैनेज द सिचुएशन मैनेजर कंबल्ड हिज मदर टू सेंड हिम टू द स्टेज बट ही वॉज टू स्मॉल माँ डर गई शी गॉट अफ्राइड बिकॉज ही वॉज टू स्मॉल देन मां डर गई 5 साल का बच्चा इस उग्र भीड़ को झेल पाएगा एंड शी अफ्राइड दैट वेदर ए स्मॉल बॉय कैन फेस दिस बिग क्राउड द नॉबल क्राउड 5 साल का बच्चा इस उग्र भीड़ को झेल पाएगा वेदर ही कैन मैनेज दिस बिग क्राउड शी अफ्राइड बहुत मुबाहिस के बाद वह अंततः चार्ली को स्टेज ले गया एंड आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन शी took Charlie to the stage और बचाव के कुछ शब्द कर उसे अकेला छोड़ आया and by saying some excuses by leaving him on the stage she came back दुवे के उड़ते छल्लों के बीच चार्ली ने मशहूर गीत जैक जोन्स गाना शुरू कर दिया and then he remained alone on the stage standing over there he started singing the nice song of Jack Jones के एक famous English song वो गाने लगे right कुछ देर तक ऑर्केस्ट्रा वाली उसकी आवाज में उस गाने की धुन तलाशते रहे एंड फॉर सम मिनट द ऑर्केस्ट्रा टीम वॉज ट्राइंग टू गेट द रिदम ऑफ द सॉन्ग दे वर एक्सपेक्टिंग द लिटिल बॉय टू सिंग मैरी हैड अ लिटिल लैम्प बट इंस्टेड ऑफ मैरी हैड अ लिटिल लैम्प ही वॉज सिंगिंग द सॉन्ग्स ऑफ जैक जॉन्स राइट एंड
वे उसकी आवाज में उस गानों की धुन तलाश रहे हैं। दे वर सरप्राइज टू हियर हिम सिंगिंग जैक जॉन्स देन बाय गेटिंग द रिदम एंड उसकी आवाज में उस गाने की धुन तलाशते रहे और वह जैसे ही मिली गेटिंग द रिदम गाना सजने लगे एंड गेटिंग द रिदम दे स्टार्ट डेकोरेटिंग द सॉन्ग राइट एंड ही कंटिन्यूड सिंग सॉन्ग देन गाना अभी आधा ही हुआ था स्टेज पर पैसों की बौछार शुरू हो गई एंड ही सिंग अ हाफ ऑफ द सॉन्ग ओनली एंड देन पीपल स्टार्ट पोरिंग कॉइन्स ऑन द स्टेज गाना अभी आधा ही हुआ था कि स्टेज पर पैसों की बौछार शुरू हो गई पीपल स्टार्ट थ्रोइंग कॉइन्स ऑन द स्टेज चार्ली ने गाना रोक दिया सडनली ही स्टॉप द सॉन्ग देन गाना रोक दिया और घोषणा की एंड ही अनाउंस्ड पहले मैं ये पैसा बटोरूंगा लेट मी कलेक्ट द कैश फर्स्ट द कॉइन्स फर्स्ट और बात ही गाऊंगा एंड देन आई विल कंटिन्यू द सॉन्ग राइट वो बहुत छोटा था वह बहुत मासूम था अपनी मासूमियत के वजह से वह बीच में ही गाना रोक दिया और घोषणा की एंड ही अनाउंस लेट मी टेक द कॉइन्स फर्स्ट ही वॉज सो पुअर ही हैज सीन हाउ हिज मदर इज स्ट्रगलिंग टू अर्न मनी राइट सो इसके वजह से उन्होंने गाना रोक दिया और लोगों से कहा कि मुझे ये पैसा इकट्ठा करने दो और उसके बाद मैं गाना गाऊंगा राइट इस बात ने हॉल को हंसी घर में तब्दील कर दिया एंड दिस स्टेटमेंट हैज चेंज्ड द एंटायर हॉल इनटू द हॉल ऑफ लाफ देन इस बात ने हॉल को हंसी घर में तब्दील कर दिया इट हैज चेंज्ड द एंटायर हॉल इनटू द लाफिंग होम तब तक मैनेजर एक रूमाल लेकर आया और पैसे बटोरने लगा एंड विद इन दिस टाइम द मैनेजर केम अगेन इनटू द स्टेज एंड स्टार्ट कलेक्टिंग द कॉइन्स देन और पैसे बटोरने लगा ही स्टार्ट कलेक्टिंग द कॉइन्स लगा शब्द ओके ही स्टार्ट कलेक्टिंग देन चार्ली को लगा कि मैनेजर खुद पैसे रख लेना चाहता है एंड चार्ली फेल्ट दैट द मैनेजर हिमसेल्फ विश टू टेक द कॉइन हिमसेल्फ देन उसने यह बात शिकायती लहजे में दर्शकों को कह दी एंड एज ए मोड ऑफ कंप्लेन ही जस्ट कन्वे हिज फीलिंग्स टू द ऑडियंस ही सेड ही माइट हैव सेड देखो ये मैनेजर मेरे लिए तुम लोगों ने जो पैसा दिया है वो लेके जा रहे हैं इन्हें रोको वो पैसा मेरे लिए है ऐसा कुछ कहा होगा और ये मासूम छोटा लड़का जब ऐसे लहजे में कहने लगे तो राइट वो हंसने लगे हंसी तब और बढ़ गई एंड पीपल स्टार्ट लाफिंग देन बिफोर जब रूमाल की पोटली में पैसे बंद बैक स्टेज की ओर जाते मैनेजर के पीछे चार्ली व्याकुलता से लग गए एंड लोग हंसने लगे एंड देन चार्ली फॉलोड द मैनेजर एज ही वॉज टेकिंग ऑल द कॉइन्स टू द बैक साइड ऑफ द स्टेज एंड जब तक मैनेजर ने वह पोटली माँ के हवाले नहीं कर दी वह नहीं लौटा अंटिल ही हैंड ओवर द कॉइन्स टू हिज मदर ही डिड नॉट कम बैक राइट और मैनेजर ने जब पैसा उसकी माँ के हाथों में दे दी तो चार्ली वापस आकर कार्यक्रम शुरू करने लगे राइट ऐसा था छोटा सा चैपलिन राइट और इसी तरह वो पहले बार स्टेज में आया था राइट ऐसे कलाकार है चार्ली चैपलिन आगे के क्लास हम आगे बाद में ले लेंगे सबको धन्यवाद